ओके नमस्कार एवरीवन, इस पर्टिकुलर क्लास 10 साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो के पार्ट नंबर 13 में आपका स्वागत है। पर्टिकुलर पार्ट में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्वेश्चन जो कि चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन से सीबीएसई के एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 121। राइट डाउन द फोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई के द्वारा 2014 में। तो आपको आंसर याद रखना है कि जो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज फॉर्म होता है वो होता है वर्चुअल, इरेक्ट, लेटरली इन्वर्टेड एंड सेम ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो चार पॉइंट है इसमें, पहला है वर्चुअल, दूसरा है इरेक्ट, तीसरा है लेटरली इन्वर्टेड एंड चौथा है सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 122, डिस्क्राइब द स्फेरिकल मिरर। तो इस स्फेरिकल मिरर को आपको डिस्क्राइब करना है। ये क्वेश्चन भी 2014 में पूछा हुआ है सीबीएसई के द्वारा। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे डेफिनेशन। स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ स्फीयर, इफ द रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम द इनसाइड इट इज सेड टू बी अ कॉनकेव मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या है, एक बड़े से स्फीयर का ही पार्ट है, अगर रिफ्लेक्शन अंदर की साइड से हो रहा है तो उसको हम कॉनकेव मिरर बोलेंगे। एंड इफ द रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द आउटसाइड सरफेस इट विल बी टर्म्ड एज द कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें स्फीयर, स्फेरिकल मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर तीनों की डेफिनेशन आ गई। अब आपको डायग्राम ड्रॉ कर देना है जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 123, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म इन द रिलेशन टू कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव स्फेरिकल मिरर के टर्म में आपको इन सारे चीज़ों को डिफाइन करना है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ये सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर जितने भी डेफिनेशन आपको दिख रहे हैं, टोटल पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, अपार्चर एंड फोकल लेंथ, ये सारे क्वेश्चन वन मार्क में पूछे हुए हैं। कब? सीबीएसई के द्वारा 2013, 14 एंड 15 तीनों को मिला करके। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला डेफिनेशन है पोल का, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज द पोल। जो मिरर का मिड पॉइंट होता है जहाँ पे आपका प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को आके बाइंड करता है उसको हम बोलेंगे पोल। और बी है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच अ मिरर इज अ पार्ट। इस जो भी होलो स्फीयर से आपको मिरर को आपने फॉर्म किया है उसके सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो आती है डिस्टेंस उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। डी में आता है प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रही है पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। राइट, ई में आ जाता है आपका प्रिंसिपल फोकस, द पॉइंट ऑन विच द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू द विच पैरेलल इज ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस और अपीयर टू पासिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी कॉनकेव मिरर के अंदर में जो भी लाइट जा रही है पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, उसके बाद में आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है आप उसको बोलोगे प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, एफ में है अपार्चर, द डायमीटर ऑफ द मिरर और साइज ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपार्चर। ओके, तो याद रखना है आपको। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है कि द इफेक्टिव पार्ट ऑफ द मिरर इज नोन एज अपार्चर। राइट, जहाँ से रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होती है उसको बोलते हैं। जी में पूछा हुआ है फोकल लेंथ किसको बोलेंगे, तो द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। इन प्रिंसिपल फोकस से और पोल से जो डिस्टेंस आपका मेजर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। राइट, नाउ द क्वेश्चन नंबर 124, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर फॉर सीइंग द ट्रैफिक एट नियर रियर। है ना, तो सबसे पहले एडवांटेज देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको 2015 में। एडवांटेज है कि इट प्रोवाइड द वाइडर व्यू ऑफ रियर द ट्रैफिक। ऐसे कंडीशन में आपका जो व्यू है वो वाइडर आता है। डिसएडवांटेज क्या है, इट डज नॉट गिव द करेक्ट डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल इन द रियर। जब आपको चीज़ वाइडर दिखती है तो आपको थोड़ा सा वो दूर या फिर पास विजिबल होगा जो कि एक्चुअल डिस्टेंस नहीं होता, तो फिर वो एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं बता पाता इमेज की। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 125, व्हाट आर द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट होती है ये पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा है 2015 में। इफ द फोकल लेंथ इज मेजर एज अ मीटर देन द यूनिट ऑफ पावर इज अ लेंस इज डायोप्टर। है ना, उसको मीटर माइनस वन बोल सकते हो या फिर उसको आप डायोप्टर बोलोगे। ठीक है, याद रखना है इसको आपको।
नाउ द क्वेश्चन नंबर 126, गिव टू यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के दो यूजेस आपको बताना है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ है। तो सबसे पहला यूज़ है यहाँ पे कि कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे इस्तेमाल होता है, स्पेक्टिकल्स में होता है। दूसरा है कि टेलीस्कोप में इस्तेमाल होता है। तीसरा है माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल होता है। चौथा कैमरा में इस्तेमाल होता है। तो ये आपके चारों के चारों नाम लिख सकते हैं। वैसे उन्होंने दो यूजेस पूछे हैं, बट आपको चार याद रखना है एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए, ठीक है। गिव वन यूज़ ऑफ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का एक यूज़ बताना है आपका। तो सबसे पहला यूज़ होता है कॉन्वेक्व लेंस आर यूज इन अ सेविंग मिरर। दूसरा आपको याद रखना है कि जैसे जब पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया है उसको क्योर करने के लिए हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 128, व्हाट इज़ प्रिज्म। प्रिज्म को डिफाइन करने को बोला है। तो डेफिनेशन लिखना है आपको, प्रिज्म इन इज ऑप्टिकल डिवाइस विथ टू ट्राइंगुलर बेसिस अलॉन्ग विद द थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सर्फेसेस कॉमनली अलाइन टू द एंगल ऑफ द 60। तो क्या बोला है इसमें, याद रखना है आपको, दो ट्राइंगुलर बेस हैं और थ्री रेक्टेंगल्स हैं सरफेस है, और तीनों रेक्टेंगल जो हैं वो एक दूसरे से 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ऐसे उसको अरेंज किया हुआ है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेशन आपको याद रखना है। कब पूछा हुआ है, तो CBSE के थ्रू 2015 और 2016 में भी, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 129, डिफाइन द टर्म रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है वो आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2016 में। द बाउंसिंग बैक ऑफ द रे ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। बाउंसिंग बैक अगर हो रहा है कोई भी लाइट का सेम मीडियम में, तो उसको आप क्या बोलोगे, रिफ्लेक्शन बोलोगे, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 130, डिफाइन द टर्म। पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर है प्लेन ऑफ द इंसिडेंस। तो इसको देखते हैं, वन बाय वन इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहला आता है, ए का आंसर है कि ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है आपको CBSE के थ्रू 2016 में पूछा हुआ है। ए में आंसर आ जाता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे इज नोन एज द एंगल ऑफ द इंसिडेंस। इसको हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, तो आपको याद रखना है। दूसरा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसको याद रखना है। द एंगल प्रेजेंट बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आप स्मॉल आर से डिनोट करोगे। प्लेन ऑफ इंसिडेंस के लिए डेफिनेशन आता है, अ प्लेन कंटेनिंग इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एज अ प्लेन ऑफ द इंसिडेंस। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है, बाकी PYQ आप सॉल्व करते रहो, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 14 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 131 से लेकर के 140 तक के। चैप्टर नंबर 11 के ही क्वेश्चन आप देखोगे पार्ट नंबर 14 में भी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।